नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रेज सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट की विवेचना करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट आखिर होता क्या है और हम किस तरह से इसका प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि इफ स्टेटमेंट जैसा ही होता है और उसमें एक एल्स स्टेटमेंट उसको फॉलो करता है। यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में इफ स्टेटमेंट पढ़ा था उसके साथ एक एल्स स्टेटमेंट भी वहां पर रन होता है। अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो जिस तरह से मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या फैन ऑन है, That mean if condition fan is on, यदि वो condition true है that mean fan is in moving condition, और अगर ये condition false हो रही है then fan is stopped, fan is not rotating। तो कुल मिला के हम इसी तरह से if else statement को समझ सकते हैं। अगर condition true है तो आपका condition true वाला code block execute होगा और नहीं तो आपका code block execute होगा false condition वाला, ठीक है। और अगर आपने हमारी इफ स्टेटमेंट वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो इफ स्टेटमेंट जैसा ही है। तो आइए इसका सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन, यदि वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट होगा आपका एल्स वाला कोड ब्लॉक। बहुत से मेरे दोस्त फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स भी इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे हम इफ़ में कंडीशन दे रहे हैं उसी तरह से हमने एल्स में कंडीशन क्यों नहीं दी। तो उसका बहुत सिंपल सा रिप्लाई ये होता है कि इफ़ में कंडीशन दी है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला वर्क हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो बताने की क्या नीड है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो वो फॉल्स कंडीशन में हमने यहाँ पर एक अलग कोड ब्लॉक दे दिया है, लाइक अगर यूज़र 18 एज से अबव है तो वोट कर सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने इसके सिंटैक्स को समझा और अब इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका फ्लो चार्ट भी काफ़ी सिंपल है, हम देख सकते हैं। सबसे पहला एक कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल ब्लॉक है यहाँ पर। उस कंडीशनल सिंबल में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन वो कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा और फॉल्स होने की कंडीशन में वो कर देगा एल्स वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर स्विच हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर वो चला जाएगा। तो ये एक एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर इफ एल्स स्टेटमेंट काम किस तरह से करता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ वो प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इफ का प्रोग्राम था, बट मैं यहाँ पर दो तीन चेंजेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया और हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन लगाया। हमने इफ के प्रोग्राम में क्या किया था, जो भी एज थी एज को प्रोग्रामिंग टाइम पर ही डिफाइन कर दिया था और वहीं पर ही टेस्ट किया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एज ले रहा हूँ मैं यूज़र से मैं बोलूँगा एंटर द एज, ठीक है, और उसको मैं स्कैन करा लिया ए में। अब क्या है कि जो ए वेरिएबल है उसमें हमारी आ चुकी है एज और कंडीशन अप्लाई कर दूंगा वही वाली इफ। और अब देखिए, मैंने यहाँ पर यूज़र से जो भी एज ली है जो स्टोर्ड है हमारी ए में, उसको कंडीशन के थ्रू चेक करा रहा हूँ कि इफ ए बड़ा है 18 से, तो अगर ए 18 से बड़ा है दैट मीन एज 18 से बड़ी है, एज 18 से बड़ी है तो यूज़र वोट कर सकता है। तो अब प्रिंट करा दिया हूँ यूज़र कैन वोट, ठीक है। और अगर यूज़र की एज 18 से बड़ी नहीं है दैट मीन वो 18 से छोटा है, तो एल्स में मैं लिख दूंगा यहाँ पर सीधे सीधे कि यूज़र कांट वोट, और उसके बाद इसको बंद करके अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स और गेट सी एच लगा दूंगा। तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आइए इसे कंपाइल और रन करा के देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। कंपाइलेशन बिल्कुल कंपाइल हो चुका है, कोई गलती नहीं है, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है एंटर द एज,
सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर यूज़र से इनपुट चाहता है कि एंटर द एज, तो मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ 17 डाल के मैंने एंटर किया तो बता रहा है यूज़र कांट वोट। वैसे मैं दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा से रन करने पर मैं एज चेंज कर देता हूँ, मैंने एज दे दी यहाँ पर 55 और एंटर करता हूँ तो यूज़र कैन वोट इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन जो भी हमारी ए की वैल्यू है अगर वो ए से छोटी है तो आ जाएगा आपका एज ब्लॉक में, और अगर ट्रू है तो वो आएगा इफ कोड ब्लॉक में। तो ये था हमारा प्रोग्राम इफ एल्स का, आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच सके। आपको अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।